वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई मोटर ब्लॉग्स। तो आज मेरे पास है रॉयल इनफील्ड की एक मेटल पॉलिश जो मैं चेक करने वाला हूं अपने बाइक पे लगा के कि ये कोई फ़ायदेमंद है भी नहीं है, और ये आपको ना किसी भी रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर से मिल जाएगी इजीली, जो कि 315 रुपये की है और 75 ग्राम्स आती है, जो कि मतलब भाई बहुत महंगी है देखा जाए तो, मतलब जितने सबसे महंगी है उस हिसाब से काम भी करना चाहिए। तो इसको लगा के देखते अपने बाइक में, थोड़े पहले मैं धूल मिट्टी को साफ़ कर लेता हूँ जिस पर वायरस चिप की पड़ी है, ताकि एक बार मुझे ओरिजिनल इंजन दिख जाए कि यहाँ अभी क्या कंडीशन है और पॉलिश लगाने के बाद इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से ना एक बार क्लीन कर लेता हूँ पूरे इंजन को, क्योंकि इसमें ना काफ़ी पानी वानी के दाग वगैरह लगे पड़े हैं। तो रिज़ल्ट जो भी होगा वो आप लोगों के सामने होगा, मैं इसको आपके सामने ही लगा के देखूँगा, और जो भी तरीका है इसका जो मुझे बता रखा है उसी तरीके से यूज़ करूँगा, और पता चलेगा कि हाँ मतलब ये काम भी करती है सही से या नहीं करती है। तो फाइनली अपना इंजन साफ़ हो चुका है भाई, अब लगाते हैं इस पर हम पॉलिश। तो पॉलिश लगाने का सिंपल वही है कि अपने पूरे इंजन पे पहले अच्छे से इसको पॉलिश को लगा लो, जहाँ जहाँ दाग हैं या जो भी एरिया तुम्हें चमकाना है उस एरिया पे पहले इसको अच्छे से अप्लाई कर लो। तो पहले इसको पूरे इंजन पे लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि भाई है भी तो बहुत महंगी, एकदम से भर भर के भी लगा सकते हैं, और इतनी शायद अगर ज़्यादा ज़्यादा लगाओगे तो ये ख़त्म भी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा है भी नहीं ये ट्यूब, तो उसी हिसाब से इसको लगानी पड़ेगी। इसको लगाने के बाद ना थोड़ा सा इसको फैलाना है, फैलाने के लिए कोई भी कोई ख़राब कपड़ा छोटा सा ले गया किसी भी कपड़े से उंगली से अच्छे से पहले इसको फैला लो, और फैला के ना उंगली से तो खैर नहीं पाएगा, कपड़े से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा ना दबाना भी आता, मतलब प्रेशर दे के रगड़ना है अच्छे से, ताकि ये दाग वगैरह जो है ये उन पर अच्छे से चल जाए, एक बार हाथ लग जाए तो मैं वही कर लेता हूँ, पहले इसको अच्छे से रगड़ लेता हूँ पूरे इंजन को इस कपड़े से, फिर देखते हैं क्या होता है इसका। महंगी पॉलिश है इतनी, कुछ तो फ़र्क पड़ना चाहिए, हालांकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कोई पॉलिश वगैरह ऐसी कोई यूज़ नहीं करता, बट ये था इंजन थोड़ा काफ़ी ना पानी वानी के दाग वगैरह से अजीब से लगे पड़े रहते हैं, मतलब कलर ही चेंज हो गया इस इंजन का। तो मैंने कहा चलो क्यों ना इस बार ट्राई कर लेते हैं, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाँ अगर कोई पॉलिश ऐसी है जो थोड़ा बफिंग तो नहीं पर बफिंग के लेवल तक का थोड़ा बहुत भी काम कर सके तो क्या बुरा है 350 रुपये में। तो वही चेक करने के लिए मैंने भी परचेस करी है, तो वीडियो देखते रहो पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या होता है इस पॉलिश को लगा के, कितना इंजन चमकता है हमारा, और आपने देख लिया था पहले इंजन कैसा था और उसके बाद अभी दिख जाएगा आपको फ़र्क, जो भी आएगा रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। तो आई होप ये वर्क करे अच्छे से, ताकि कोई तो पॉलिश ऐसी आए जो मतलब बफिंग का एक अल्टरनेट बन जाए, क्योंकि बफिंग तो यार बहुत महंगी पड़ती है, थोड़ा 90% भी फ़र्क पड़ जाएगा ना इससे तो काफ़ी सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस एरिया पे कैसे फ़र्क पड़ तो रहा है भाई, यहाँ पे शक्ल दिखनी स्टार्ट हो गई इस कोने पे, एक कोने पे और एक कोने पे, मतलब नहीं। तो अब क्या करना है इसको ना, एक थोड़ी देर पाँच मिनट भी नहीं, थोड़ी देर रोक के एक अच्छे से कपड़े से फिर दोबारा से इसको रगड़ना है, वो फैल चुकी जितनी फैलानी थी मुझे फैला दी मैंने पूरी बॉडी पर और अच्छे से रगड़ दिया है, अब किसी साफ़ कपड़े से फिर दोबारा से मुझे इसे रगड़ना पड़ेगा। इसको लग रहा है मुझे काफ़ी टाइम हो गया, अब चमका के देखते हैं। भाई अभी तक तो देखो मैं बताऊँ ना, एक गंदे उस पर मतलब पॉलिश क्रीम लगाई है उसके बाद कपड़े से मार रहे हैं, तो चमक तो आ रही है, नो डाउट कि चमक नहीं आ रही है, चमक आ रही है, बट दाग जो है ना, दाग मुझे नहीं लग रहे कि गायब हो रहे हैं। फ़िलहाल मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि यार अच्छे से इनको ना इसे जान भी बहुत लगानी पड़ती है ना साफ़ करने के लिए, और मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ती है। देखो फ़र्क कुछ दिख रहा है, मुझे सही बताऊँ तो इतना कोई ख़ास फ़र्क क्या मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा है, बस ये कि थोड़ी सी शाइनिंग आ गई है। एक बार अच्छे से फिर ट्राई कर लेते हैं, मतलब सही से रगड़ते हैं इसको, क्योंकि मैंने अभी एक गंदे कपड़े यूज़ किया था, तो साफ़ कपड़े से यूज़ करके देख लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इस पर। भाई इसमें जान बहुत लगानी पड़ रही है, मतलब आदमी ना थक जा रहा है, इतनी जान लगा रहा हूँ मैं कि चमक जाए बस ये, पर लगता नहीं है कुछ हो पाएगा इससे। हो पाएगा मतलब क्या, देखो शाइनिंग आ रही है बस इससे, जैसे आपकी नई बाइक है उस पर अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे ना तो शायद ये उसको बचा के रख सकता है, बट वैसे इतना ख़ास नहीं।
ये एरिया ना मेरा थोड़ा ना काफ़ी ज़्यादा गंदा सा हो रखा है, मतलब इस पे दाग वाग काला से पड़ गया बल्कि, तो मैं चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं एक बार भर के उस पे लगाते हैं ज़्यादा सी अच्छे से। अब इससे ज़्यादा तो लगाना मतलब वेस्ट ही होगा, मुझे ज़रा अच्छे से लग रही है, इससे ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं लगा सकता। अब पूरा भर के लगा देंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई। ये भी लगाना मतलब बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ इस टाइम पे, और इसको अब चेक करेंगे कि साफ़ करके मतलब इस एरिया को सिर्फ, क्योंकि इंजन इतना बड़ा था तो क्या पता सही से ना दिख पाए। इस पे ये काले काले दाग दिख रहे हैं जो अभी भी दिख रहे हैं, तो इसको देखते हैं साफ़ करके होते नहीं होते, क्योंकि मेरी बाइक में मोस्टली ना पानी के दाग ही लगे हुए हैं ये, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ना वो नहीं करता कि हाँ डेली साफ़ करना, वरना मेरे कहीं जाना होता है कहीं तभी मैं ज़्यादातर इनको मतलब बाइक को साफ़ करता हूँ, वरना कपड़ा मारा ले जाता हूँ, तो ऐसी हालत हो गई है। तो भाई अगर देखो कपड़े में भी काला काला उतना क्या आ गया है, ख़राब कपड़े यूज़ करता हूँ क्योंकि भाई ये अच्छे कपड़े को भी ख़राब कर दे रहा है मेरी बाइक साफ़ करने के कपड़े को, रगड़ रगड़ के ना हाथों की बैंड बच गई है, पर इंजन नहीं चमक रहा जैसे कि चमकना चाहिए था। भाई इतनी महंगी पॉलिश है, वो मैट के मेटल के लिए बनी हुई है, तब ये हाल है। और मैं इसको ना सही बताऊँ और तो कहीं लगाना ही नहीं चाहता कि हाँ अब उसको मैं उस पर लगाऊँ बॉडी वगैरह पे, मैं तो इंजन पे ट्राई करता हूँ। तो इस पर मतलब क्या ही फ़र्क बताऊँ मैं इसको यार, इतनी जान और लगानी पड़ रही है, ऊपर से साला थक गया। ये एरिया थोड़ा साफ़ हुआ है यार, इस पर थोड़ा फ़र्क पड़ा है, और रगड़ना पड़ेगा, थोड़ा रगड़ के देखते हैं अच्छे से, क्या पता चमक ही जाए तो पैसा वसूल, कुछ तो हो वसूल भाई, 350 रुपये वेस्ट किए हैं भाई। मेरे हिसाब से ना सही बता रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस पर, इतनी मेहनत कर ली कुछ नहीं हो रहा, ये रिज़ल्ट है आप लोगों के सामने देख सकते हो कैसा रिज़ल्ट आ रहा है इस पर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो।